केंद्र सरकार के हिट एंड रन के लिए नए कानून को लागू कर दिया है। प्रदेश सहित जिले में चालक इसके विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। हड़ताल के दूसरे दिन मुख्यालय पर चालकों ने उग्र प्रदर्शन करते हुए हड़ताल के बीच चल रहे भारी वाहनों को रोक टोक की, जिससे मुख्य मार्गों पर जाम की स्थिति बन गई। प्रदर्शन के चलते सड़क किनारे ट्रकों की कतारें लग गई। बस ड्राइवरों ने प्रेसिडेंट तिराहे पर चक्का जाम कर नारेबाजी की। ड्राइवर इस कानून को लाने का विरोध कर रहे हैं। इसमें एक्सीडेंट होने पर ड्राइवर को 10 साल की सजा और 7 लाख के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। हड़ताल में पेट्रोल टैंकर वाहन चालकों के शामिल होने से पेट्रोल की भी किल्लत हो गई है। कई पेट्रोल पंप बंद पड़े हैं, तो वहीं जहां पेट्रोल है वहां लंबी कतारें लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। जी देखिए, कल तो प्रशासन, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर दौरा था, पहली तारीख थी 2024 की, तो मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर दौरा था और रैली थी, तो हमें समझाइश देकर प्रशासन ने रोक दिया था, डिले कर दिया था कि भाई आप 4-5 बजे तक अपना प्रदर्शन करें। क्योंकि मुख्यमंत्री जी आ रहे थे, इसलिए हमने प्रशासन की बात को माना और प्रशासन की बात को हमने टाला नहीं। और चूंकि आज 2 तारीख है, इसलिए हम प्रदर्शन अपना शुरू कर रहे हैं यहाँ से आंदोलन, और ये पूरे शहर में रहेगा और हम बाहर भी जाएंगे और वहाँ पर भी प्रदर्शन करेंगे। जिस तरह से गाड़ियाँ रोकी गई है, लोग परेशान भी हो रहे हैं, तो इसमें जो माननीय श्री अमित शाह जी ने जो ऑर्डिनेंस पास किया है, संसद के अंदर रखा है कि ड्राइवर को 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना, हिट एंड रन केस, हिट एंड रन कानून ला करके अमित शाह जी ने हम पर जो डेथ सर्टिफिकेट जारी करा है, ये हमारे लिए मान्य नहीं है। अनिश्चित काल के लिए हम लोग हड़ताल पे जा रहे हैं। इससे शहर के अंदर और पूरे देश के अंदर अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, और हम ये चाहते हैं कि सरकार फोर्स में आए और देश की अर्थव्यवस्था को बचाए। हम ये मांग करते हैं काला कानून बंद हो, ये काला कानून वापस लिया जाए। आवेश। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।